पिछले दिन पंजाब दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने एक ट्वीट किया सीगा जिस दे विच लिखा गया सी कि पंजाब दे मुद्दे ते बहस की जाए। सो विरोधी धिर दे कुछ लीडरां दा नाम भी लिखा गया सीगा जिस तो बाद पंजाब दी राजनीति दे विच हलचल पैदा हो गई सी। सो जो वेन्यू दिता गया सी ओ चंडीगढ़ दा टैगोर थिएटर दिता गया सीगा पर हुण ओ कैंसल हो चुका वा। उस तो बाद हुण लुधियाना दे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच बहस होवेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह हाल जिहड़ा वा ओ फाइनल जिहड़ा वा कीता गया वा, तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे उसे हाल दी तस्वीरां ने जिस हाल दे विच हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री पहुंचणगे अते विरोधी धिर दे कुछ लीडरां दा जो नाम लिखे गए सी उन्हां नूं सद्दा पत्र दित्ता गया कि तुसीं आ के पंजाब दे मुद्दिआं दी बहस करो, जो पंजाब दे मुद्दे ने जो तुहाडी सरकारां ने कीते ने उस मामले च आ के बहस कीती जावे। सो इसे हुण थिएटर दे विच इसे हाल दे विच हुण बहस दा सद्दा दित्ता गया वा। दस दईए कि सरकार वालों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों को पूछा गया कि 1 नवंबर नूं कि यह हाल जिहड़ा वा खाली मिलेगा, तां यूनिवर्सिटी वालों कहा गया कि यह हाल जिहड़ा वा 1 तरीक नूं खाली हैगा वा। इसकी पुष्टि जिहड़ी आ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों वालों भी की गई आ, उन्होंने कहा है कि 1 तरीक नूं सरकार वालों इस हाल की जिहड़ी आ जानकारी लिती गई सी कि यूनिवर्सिटी के विच जो हाल हैगा वो खाली मिल सकदा वा। तां यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी डॉक्टर जिहड़े तजिंदर सिंह रियाड ने जिहड़े कि विधिक डायरेक्टर ने यूनिवर्सिटी दे विच उन्होंने जानकारी कल खुद दित्ती सी कि सरकार दे वल्लों कुछ जिहड़ी आ गलबात कीती गई सी कि इस हाल बारे जानकारी दित्ती गई सी, तां उह जानकारी जिहड़ी आ सरकार नूं दे दित्ती गई आ। हुण सरकार वल्लों फैसला दित्ता जाणा कि इस हाल दे विच इह डिबेट कीती जावे जां ना कीती जावे। हालांकि चंडीगढ़ च जो टैगोर थिएटर सी पहलां उत्थे डिबेट होणी सी पर उत्थे राजनीति हलचल ना होवे इस करके वह हाल जिहड़ा वा नहीं दिता गया सी टैगोर थिएटर वल्लों सरकार नूं नहीं दिता गया। उस तो बाद वेन्यू कैंसल कर दिता गया सीगा पर हुण इह वेन्यू जिहड़ा वा फिलहाल जो सरकार वल्लों यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को पुछया गया कि वेन्यू मिल सकता वा, तां यूनिवर्सिटी अधिकारियों की खाली जरूर हैगा वा पर विद्यक अधारा वा। सो यूनिवर्सिटी के अधिकारी को यह भी सवाल किया गया कि विद्यक अधारा हैगा कि इत्थे बहस हो सकती है, पर उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के अंडर यूनिवर्सिटी हैगी है, सरकार अपना जिहड़ा प्रोग्राम इत्थे कर सकती है, पर यह पंजाब के मुद्दे नूं लैके बहस है पर यह हाल जिहड़ा वा उन्होंने दिता जा सकता वा। सो इसे हाल के अंदर दस दिए कि 1100 तो वध लोगों के बैठने का प्रबंध हैगा वा, पार्किंग की खुली व्यवस्था हैगी आ, अक्सर मुख्यमंत्री का जो हैलीकॉप्टर आ इसे यूनिवर्सिटी के विच उतारिया जाता, जो भी कोई लुधियाना विच समागम हो इसे यूनिवर्सिटी के विच हैलीकॉप्टर जिहड़ा वा उतारिया जाता वा। सो आसान जिहड़ी आ व्यवस्था हैगी आ ताकि हर प्रोग्राम जिहड़ा वा आसानी नाल कीता जा सके। सुरक्षा नूं लैके भी हाल जिहड़ा वा पूरी तरह सेफ दस्सिया जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आम लोगों की एंट्री नहीं होंदी, जिन्हां को पास होंदे ने उन्हां नूं एंट्री कीता जांदा वा जां जिन्हां दी कोई परमिशन होंदी ने उन्हां नूं इत्थे आन की इजाजत जिहड़ी दित्ती जांदी आ। सो इसे यूनिवर्सिटी के विच जिहड़ी आ सुरक्षा नूं लैके भी पुख्ता प्रबंध हैगे ने, आसान तरीका हैगा वा कि इस हाल दे विच डिबेट कीती जावे। पार्किंग दी भी बहुत खुली जिहड़ी आ व्यवस्था हैगी आ, तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे आ, खुला मैदान हैगा वा, आस पास बहुत सारी गड्डियां जिहड़ियां मैं इत्थे पहुंच सकदियां ने। सो हुण इस हाल दे विच हालांकि डिबेट होनी आ जां नहीं होनी पंजाब दे मुद्दे ते जो लैके, पर यह स्थान जिहड़ा वा यूनिवर्सिटी ने सरकार नूं दस दिता कि यह खाली हैगा 1 नवंबर नूं, 1 नवंबर नूं पंजाब दिवस हैगा वा। मुख्यमंत्री वल्लों ट्वीट कीता गया वा, कुछ लीडरां दे नाम भी उस ट्वीट दे विच लिखे गए सी कि उह आ के पंजाब दे मुद्दिआं नूं मुद्दिआं ते डिबेट करन, सिद्धी डिबेट होवेगी, खुली डिबेट होवेगी जिस दे विच जो भी मसले ने पंजाब दे, जो तुसीं कीता वा उस दे बारे तुसीं दस्सो, जो असीं कर रहे हां अते जो तुसीं कीता उस दे भी असीं जवाब तुहानूं देवांगे। सो मुख्यमंत्री वल्लों सद्दा पत्र दिता गया कुछ लीडरां नूं, इसे हाल दे विच हुण जिहड़ी आ डिबेट होण जा रही आ, पर हालांकि फाइनल है जां नहीं हैगा इस दे बारे कोई जानकारी नहीं है, पर अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सरकार वालों उन्होंने पूछा गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो यूनिवर्सिटी के हाल हैगा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो हाल हैगा वह खाली है या नहीं है, तो उसके बारे जी जानकारी यूनिवर्सिटी वालों दे दी गई। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर यह हाल जिहड़ा वा बिल्कुल खाली आ, हुण सरकार यह फैसला लवेगी कि इत्थे डिबेट करनी आ जां नहीं करनी आ, वह सरकार जिहड़ा वा तय करेगी। हालांकि सरकार वालों भी इस नूं फाइनल नहीं किया गया वा, पर सरकार जिहड़ा वा इत्थे डिबेट करना चाहती है क्योंकि आसान जिवें मैं पहला दस्सिया कि पार्किंग नूं लैके खुली जगह हैगी आ, 1100 तो वध लोग जिहड़े ने इस हाल दे अंदर बैठ सकते ने। मुख्यमंत्री जदों भी लुधियाना दे विच आउंदे ने तां उन्हां दा हैलीकॉप्टर जिहड़ा वा यूनिवर्सिटी दे उच्च उतरदा वा, तां मुख्यमंत्री
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਿਊ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੈਨਿਊ ਫਾਈਨਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ ਜਗਮੈਨ ਟੀਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।